तुम्हारा एक और ब्रांड न्यू पिन पैक ब्लॉग के अंदर। तो फिर क्या हाल चाल, फिट हो, मजे में हो ना? तो रेडी शेडी हो गए होंगे, ठीक है, यूनिट जाने के लिए। आज तीसरा पेपर है कॉन्टीन्यूसली, ये तीन पेपर थे, ठीक है। अब आगे तीन छुट्टियां, जुम्मा, हफ्ता, इतवार की। तो आज तीसरा पेपर है, चलते हैं यूनिट चल के पेपर शेपर देते हैं, ठीक है। पेपर शेपर दे के फिर आपसे मिलते हैं। बाकी जिन जिन भाइयों और उनकी बहनों ने अभी तक हमारा ब्लॉगिंग चक्कर व्यू ज्वाइन नहीं किया, जस्ती जस्ती ज्वाइन कर लो। नीचे सब्सक्राइब का बटन जो आ रहा है उसको सब्सक्राइब मारो, ठीक है। और हमारी ब्लॉगिंग फैमिली में ज्वाइन हो, दस्ती को मिनट मारो। फोन यूनि, ठीक है, चलते हैं नीचे। तो क्या देख सकती हो जी, बिल्कुल सुनसान यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। और ये सामने माल रोड फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का जो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ जी, आवाम ही नहीं है। वंस अगेन स्टडी चल रही है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, आवाम चीको चीक स्टडी करी जा रही है। ये देखे लाइक बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे कम और बातें ज़्यादा कर रहे हैं। स्टॉल चेक कर सकते हो जी, बुक आपके भाई के सामने लगा हुआ जी, फुल हैवी तरीके से जी। पाकिस्तान पॉलिटिकल रूट्स एंड डेवलपमेंट 1947 से 1999 तक, ओए 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 ओए। हेलो, वो मूवी वाला सीन चल रहा है, ऐसे करता है वो, रोबोट वाली है ना, बड़ी है। नेक्स्ट बड़ी गया, नेक्स्ट ये सीन होते ही है। आपके भाई का सामने स्टॉल लगा हुआ है पूरा, बूथ का किसी को चाहिए हो तो आगे ले जो फ्री में, कोई टेंशन नहीं। निकले यूनि से, ठीक है। पेपर शेपर सही जेनवन तरीके से दे दिया था, रोजे में नहीं बैठने होता है यूनि, जिस तरह के आपको पता ही है, समझ रहे हो ना बात को। घर जा रहा हूँ, डाको डाक घर जाके रेस्ट मारूंगा, रेस्ट मार के शाम को आगे देखते हैं जी कहाँ पे जाना है, क्या भी सिस्टम फॉल करना है, समझ रहे हो ना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को लाइक मार दो, समझ रहे हो। इफ्तार का टाइम होने वाला है जी, ठीक है। और वापस आ गया था मैं, तो सो गया था, नींद भी पूरी करनी थी, जैसा कि वो पता है नींद के रोले ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है, रमज़ान में खास कर। और दूसरा पेपर भी थे, ठीक है, तीन दिन लगातार पेपर थे, तो उनकी तैयारी करने में रात गुजर जाती थी, सुबह सहरी के बाद भी पेपर की तैयारी करते थे, क्योंकि रोले ख़त्म नहीं हो रहे थे, ठीक है। नींद सीन अभी है, आज अभी भी आगे छुट्टियाँ हैं, ठीक है, तीन रज की नींद सुन पूरी करेंगे, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। बाकी रोज़ा खुलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड सुनसान हो रही है जी, ठीक है। वहाँ डाको डाक जो बची है घर घरों की तरफ जाते हुए, बाकी रोज़ा शोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, ठीक है, रोज़ा शोज़ा इफ्तार करके फिर मिलते हैं आप। अच्छा, इफ्तारी शरी हो गई है, ठीक है। और सीन कुछ ऐसा करते हैं, आज फिर आपको हल्का सा रूम टूर मरवा देते हैं, ठीक है। पहले वैसे मैंने एक रूम टूर वाली वीडियो पूरी प्रॉपर डाली हुई है, लेकिन कुछ चस वाली नहीं है वो इतनी, ठीक है, पुरानी वीडियो है थोड़ी सी, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम ही डाल दी थी, अभी चस नहीं आई उस वीडियो में, ठीक है। तो आज फिर से आपको रूम टूर हल्का सा मरवा देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, बल्कि पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक ट्राईपोर्ड पड़ा हुआ है जी, ठीक है, जो टिकटॉक्स वाले के मैंने लिया था, लेकिन ब्लॉगिंग शॉगिंग के लिए कोई नहीं, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, इसकी गर्दन टूट गई है जी, समझ रही हो ना। बाकी पीछे कोई खास चीज़ नहीं है, ये आपके भाई का यूनिवर्सिटी का बैग पड़ा हुआ है जी, ठीक है, जिंदाबाद में बशरी पुत्र चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इस साइड पे, इस साइड पे सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पीसी की, तू मेरा पुत्र भी जा। पीसी की अगर बात करें तो ये है जी लिनोवो का, ठीक है, लिनोवो ब्रांड है ये। और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कोर i7 थर्ड जनरेशन लगा हुआ है, ठीक है। और 12 GB रैम लगी हुई है इसमें। और ग्राफिक कार्ड की अगर बात कर ली जाए तो ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है एनवीडिया का GeForce GTX 1660 Ti सुपर OC एडिशन में, ठीक है। और 6 GB उसकी वीडियो मेमोरी है, और बहुत ही तगड़ी चीज़ है, यकीन मानो पूरा हैवी लोड उठा सकती है सही, ठीक है। और साथ में वो जो छोटा सा डब्बा देख लो टिकटॉक वाले, ये बड़ा अरसा पहले लिया था जी, ठीक है, टिकटॉक के लिए। वो हैर इसको अब पता नहीं किधर गया है, मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है, ठीक है। बाकी वो आवाम पड़ी रहती है नीचे, उसको छोड़ो। माउस की तरफ आ जाते हैं जी, माउस सस्ता 150 वाला, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। कीबोर्ड की तरफ आ जाते हैं जी, कीबोर्ड हमारे पास आ जाता है जी, बहुत गंदा हुआ है, इसमें धूल देखिए कितनी पड़ी है, कभी इसको साफ ही नहीं किया गरीब को। अच्छा जी, कीबोर्ड आ जाता है हमारे पास बैंडा का MJ005 मैकेनिकल कीबोर्ड है, ठीक है, ये भी बड़ी तगड़ी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है ये। और अच्छा जी, ऊपर की तरफ आते हैं जी अपना LCD की तरफ, ठीक है, LED नहीं है, LCD है ये, पुराने ज़माने की है, ठीक है। ये 2012 में मैंने पास वो होता था कोड टू डू, ठीक है,
डूडू डूडू यू नो कोटूडू होता था उस टाइम मैंने वो लिया था पीसी, और उसके साथ ही एलसीडी ली थी जी, अभी तक चल रही है सही डाको डॉक। और नीचे जो देख सकते हो वो डेल की साउंड बार लगी हुई है जी, ठीक है AX570, ठीक है बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये भी जेन्युइन। इसमें ड्यूल स्पीकर आते हैं इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है ये दरमियान में लाइट देख सकते हो, इसके इधर इधर स्पीकर लगे हैं और जेन्युइन चीज़ है ये वाली भी, ठीक है। बाकी पीसी वाला हो गया कंप्लीट हमारा सिस्टम। और हाँ वो ऊपर जो देख सकते हो ये पड़े हुए जी सोलिक के हेडफोन है जी, ठीक है। और नीचे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक USB पड़ी हुई है, 8 GB की USB जी। चल मेरा पुत्र चले, अच्छा जी ये बटन पड़ा हुआ ये किधर से आ गया पता नहीं, चल मेरा पुत्र तू भी चले। अच्छा जी ये काफ़ी बड़ी हुई है, कुछ रजिस्टर एक पड़ा हुआ है, और नीचे देख सकते हो जी अपने पास ये एक मिनी कूलर पड़ा हुआ है जी, ठीक है गर्मियों के लिए बड़ी जेन्युइन चीज़ है ये, मैंने लिया था पिछले साल। तो ये है कि मतलब इधर मैं बैठ के गेमिंग शेमिंग करता हूँ, ठीक है एडिटिंग वगैरह, तो उसके लिए ठीक है, मुँह पे ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। इसमें पानी पड़ता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, तू मेरा पुत्र तले आ, ये पता नहीं किधर से आ गया, चलो मेरा पुत्र तले। अच्छा जी ये इधर से खुलता है जी ऐसे, ठीक है, और इसमें इधर पानी पड़ता है और ये चलता है जी, ये देख सकते हो इधर से मैं चला के दिखा देता हूँ इधर चल सी। ओह एक मिनट इसकी तार उतरी हुई मेरे हाल में, पीछे बड़ा कबाड़ बना हुआ है, ये इसकी तार है, इसको लगा देते हैं इधर, चलो मेरा पुत्र। अच्छा जी कॉक भी नहीं होया, अच्छा इधर से चलता है वो, पागल हो गया मैं भी। ये देखा ये जो तीन लाइट्स लगी मैंने, ये इसकी तीन स्टेप्स हैं, ठीक है, ये पहले भी हल्का सा चलता है, दूसरे भी थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, तीसरे भी थोड़ा और तेज़ हो जाता है, ठीक है। और इसकी ये रिंग्स टूट गए हैं, इग्नोर करो कोई चक्कर पार्ट नहीं है। बाकी ये जो इसका सिस्टम है ये पानी वाला, वो नीचे एक लाइट देखे हो गया आप इधर से, वो जलती है, इसको दबाओगे जब ये लाइट जलेगी तो ये पानी जो है ना इधर से इसके एयर फिल्टर में जाएगा, ठीक है, और वो एयर फिल्टर जो है ना स्लोली स्लोली थ्रो करता आ जाएगा पानी और चस आ जाएगी आपको, ठीक है। चल मेरा पुत्र बंद हो। अच्छा जी बाकी इस साइड पे आ जाते हैं जी, तू मेरा पुत्र उतर आ जाए शाबाश। अच्छा ये एक पावर बैंक पड़ा होगा जी, ये थोड़ा पुराना पावर बैंक है, काफ़ी अरसे से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ जी, ठीक है, तू मेरा पुत्र चले चले चल। अच्छा जी ये एप्पल के ये जेन्युइन एयरपोर्ट है जी, ठीक है, ये दुबई से आए हैं भाई मिलाए मेरे लिए, समझ रहे हो, तो ये भी आए हैं तकरीबन महीना हुआ है इनको। बाकी एक ये पावर बैंक पड़ा हुआ है जी, ये भी दुबई से है, ठीक है, रोक स्पेस का पावर बैंक है और वायरलेस पावर बैंक है, इसके ऊपर मैं मोबाइल रख के चार्ज करता हूँ, ठीक है। और हाँ जेन्युइन चीज़ की एक निशानी बताता हूँ, जो फास्ट चीज़ होती है, ठीक है, वो देख रहे हो ना बीच में जो ये लगा हुआ है USB वाला पोर्ट जो है, इसमें अगर ऐसे कोई कलर वाली होगी ना आउटपुट, ठीक है, इसकी तो वो फास्ट होती है, इधर से समझ जाया करो, समझ रहे हो ना। बाकी टाइप सी से चार्ज होती है, ठीक है, और बड़ी जेन्युइन चीज़ है, 10,000 mAh का है, ये देख लो ये 6,000 है, ठीक है, और ये 10,000 mAh का है, चल मेरा पुत्र। अच्छा ये जो देख लो जी ये अपना क्या कहते हैं चार्जर है उसका, स्मार्ट वॉच का मेरी जो है, ठीक है, ये भी वायरलेस है, इसके ऊपर रखोगे स्मार्ट वॉच चार्ज हो जाएगी, तो वो इधर ही पड़ी होगी पता नहीं किधर है, खैर छोड़ो जान दो। ये पड़ी हुई है जी आपकी बाइक की चार्जिंग केबल, ठीक है, और ये टोपियाँ रखी हुई हैं, खैर नमाज तो कभी पड़ी नहीं है, बस रखी हुई है, चल मेरा पुत्र इधर। अच्छा ये सिंको का माइक लाया था जी जब आपके भाई के पास होता था, कैमन 19 न्यू टेक्नो का, ठीक है, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो बाहर में ब्लॉग्स बनाता था, बहुत शोर आता था, फिर से मैंने माइक लाया था, खैर मोबाइल नहीं रहा तो माइक का क्या करना है, अब इधर ही पड़ा रहता है गरीब, कभी यूज़ नहीं किया, खैर गेमिंग में अब आगे यूज़ हुआ करेगा। और ये आ गया जी अपने पास प्रिंटर, ठीक है, HP का लेज़र जेट की 2015 है जी, और बड़ा खोता चीज़ है ये, एक पुरानी चीज़ है जी ये, ठीक है, और ये बड़े तगड़े प्रिंटर आते हैं जी HP के, ठीक है, और इनको तुम उठा उठा के नीचे भी फेंकोगे ना तब भी इनको कुछ भी नहीं होना, कख भी नहीं होना, चलते रहेंगे। बाकी ये सस्ती सी एक चेयर है जी, ठीक है, चल मेरा पुत्र आगे आगे चलते हैं जी, ये वही रजिस्टर पड़े हैं इग्नोर मारो। उसके बाद आ जाते हैं जी ड्रेसिंग पे अपना, ये रोज़ वाटर पड़ा हुआ जी, ठीक है, गर्मियों के लिए बड़ी जेन्युइन चीज़ है, इसको जो है ना ये उतारो ढक्कन और छूस छूस करके मुँह पर मारो, चस आ जाएगी तुम्हें ठंडा ठंडा, इसको हेयर फ्रिज में रखना चाहिए था पता नहीं इधर क्यों पड़ा हुआ। बाकी 7CF का जो है ना डैशबोर्ड क्लीनर पड़ा हुआ है जी गड्डी के लिए। इधर आ जाते हैं जी इनोवा गोल्ड का स्प्रे पड़ा हुआ है जी उसके पास, और ये पता नहीं क्या अजीब गरीब तेल सा पड़ा हुआ है, और ये सन ब्लॉक पड़ी हुई है जी, और हाँ ये जेन्युइन चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, ये मैंने बीएड के लिए रखी हुई है, ठीक है, ये मैं अपनी बीएड पे लगाता हूँ, उससे बड़ी जेन्युइन हो जाती है यकीन मानो, सही ज़बरदस्त ज़बरदस्त कोरी कोरी ताज़ी ताज़ी यू नो,
और इस साइड पे क्लासिक शूज़ है ना जी, इस साइड पे एक मेरे लिए गिफ्ट आया है जी एप्पल वॉच का, ये भी तभी तेरी पड़ी हुई है, छोड़ो जान दो कोई मसला नहीं है। वो पीछे पाँच छः पारा पड़ा हुआ है जी, वो आपका भाई कभी कभी पढ़ ले जाता है, मुसलमान हो जाता होता है। ये देखो शेर को मैंने टोपी पहनाई है, कैसे हालात आ गए ज़िंदगी में समझ रहे हो, चल मेरा पुत्र चल ही रहे तू। अच्छा जी नीचे स्टोर की तरफ आ जाते हैं जी, इसमें सबसे पहले आपको मेरी चेक बुकें नज़र आ जाएंगी जी, ठीक है कोल नहीं तेला तो करनी है मेला मेला, ठीक ठीक है। एक ये पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है, अकाउंट ऐसे खुले हुए मेरे जैसे, मेरे से बड़ा कोई बिजनेस मैन ही नहीं है पाकिस्तान में समझ रहे हो। बाकी ये वो मोबाइल था जी टेक्नो कैमर 19 न्यू समझ रहे हो, उसका कवर अभी इधर ही पड़ा हुआ है, उसको मैंने जो है ना दे दिया सेल कर दिया, तो इसको रख देते हैं इधर। ये गाड़ी में लगा हुआ था जी, ये मैंने इसलिए उतार दिया क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, गाने शाने लगाते हैं गाड़ी में तो यू नो नहीं सही चीज़ नहीं है, अल्लाह का नाम आगे लगा हो बीच में हमने गाने लगाए हो क्या अजीब रोले हैं, तो बचो गुनाह से। ये अपने पास एक वॉच पड़ी हुई है जी, ये अपने पास दूसरी वॉच पड़ी हुई है जी, ये अपने पास तीसरी वॉच पड़ी हुई है जी, घड़ियाँ बहुत पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये अपने पास क्या कहते हैं कन्वर्टर पड़ा हुआ है जी, ठीक है टाइप सी टू दूसरा जो केबल है एंड्रॉयड वाली, तो ये सैमसंग का एक मोबाइल था उससे निकली थी, पीछे रीमैक्स की दो टीजीज पड़ी हुई हैं। हाँ ये एयरपोर्ट में जी, ठीक है एप्पल के जो दुबई से आए हैं मेरे लिए समझ रहे हो, वो मोबाइल आपको दिखाए हैं मैंने शुरू में। उसके बाद ये जो थैली सी देख रहे ना, इसमें वो माइक सिंको का जो माइक मैंने आपको दिखाया ना वो इसमें कैद हुआ था, तो ये उसके साथ आई थी। और ये पता नहीं क्या अजीब वरीब चीज़ पड़ी है साइड पे, और ये जी थ्री स्विचेज वाला इसको भी साइड पे करो जी। ये कुछ पावर केबल पड़ी हुई है पीसी की, और ये जो है हाँ ये जो है ना ये पावर बैंक में लगती है जी, ठीक है ये पावर बैंक में एक अलग से पोर्ट आती है ठीक है, जिसमें ये लगती है और इधर से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये पावर बैंक टू आईफोन है खाली, चल मेरा बोतल। ये कुछ टेस्टर वगैरह पड़े हुए हैं रखने चाहिए समझ रहे हो, पीछे ये रैमें पड़ी हुई हैं जो पड़ी हैं, जिस भाई को चाहिए वो ले जो फ्री है, कोई इसमें मतलब टेंशन परेशानी नहीं है ठीक है। ये लाइव स्ट्रीम का सामान सारा पड़ा हुआ है जी, ठीक है ये कन्वर्टर सारे जो देख रहे हो ना ये लाइव स्ट्रीम के लिए लाए थे, आपका भाई पबजी मोबाइल की या जीटीए की बड़ी लाइव स्ट्रीमें मारी हैं यार, चैनल है अब छोड़ दिया गेमिंग क्या हो गया, बड़ी लाइव स्ट्रीमें मारी हैं। ये साउंड रिकॉर्डर कुछ पड़े हुए हैं जी, पड़े रहते हैं गरीब चीज़ें। ये देखो एक स्टार्ट इधर पड़ा हुआ है, दूसरा पता नहीं किधर गया है। ये भी सारा लाइव स्ट्रीम का सामान है जी, ठीक है ड्यूल हेडफोन वाले, ये कन्वर्टर पड़ा हुआ है, बाकी ज़्यादा आपको मैं क्या ही दिखाऊँ इधर, चल मेरा उधर बंद ही हो गया। अच्छा नीचे वाली साइड पर आते हो, नीचे वाली साइड पर सबसे पहले जी ये कुछ पड़े हुए हैं जी ग्लव्स, ठीक है जो वो तो आप लोग हार्ड क्रिकेट खेलते हो ना उसमें पहनते हो ठीक है, आज छत को बचाने के लिए। बाकी ये पड़ा हुआ है जी आपके भाई के पास, ठीक है इंजेक्शन टूल सारे, और ये जो पड़े देख रहे हो ना ये कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज़ की पड़ी हुई है सारी, पीछे रीमैक्स की ओटी जी, बड़ा माल आपके भाई ने रखा हुआ ठीक है। पबजी के लिए मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ एक मिनट, खैर इधर ही पड़ा होना चाहिए और बोलना ये चेक कर सकते हो जी, देख रहे हो खुला मॉल रखा हुआ है भाई जी, टेंशन नहीं है इस चीज़ की, एक थोड़ा सा फर्क होता है दूसरा निकाल लेते हैं, टेंशन है ही ये ठीक है। पीछे ये ब्लूटूथ एक पड़ा हुआ है जी, ठीक है ये गाड़ी के लिए लाया था, खैर अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, और चल तू मेरा पुत्र बाहर आ जाए। ये भी सारी गेम्स पड़ी हैं देख, और ये देखो जी भाई जी नीचे गेम्स ये विंडोज रखी हुई है ठीक है, हर विंडो मेरे पास पड़ी हुई है 7, 8, 10, 11, और ये नीचे सारी गेम्स पड़ी हुई है। ये सैंड रियाज आ गई थी जी ऑनलाइन में, वो भी पड़ी हुई है ठीक है, और ये कुछ माल पड़ा हुआ है इसको इग्नोर मारो ठीक है। ये वॉच डॉग्स 2 पड़ी हुई है, ये नीचे देख सकते हो सॉरी आपके भाई के पास गेम्स पड़ी हुई है जी, ठीक है टेंशन है ही नहीं किसी चीज़ की, और ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। अच्छा जी ये आपके भाई के मोबाइल का डब्बा है जी, चल मेरा पुत्र भी छो जा, तेरी ज़रूरत नहीं है फिलहाल मैम, तू भी ची रहा है ठीक है। प्रिंटिंग पेपर पड़े हुए हैं ठीक है, बाकी यही था ट्यूटी आपके भाई ने रखी हुई है, उधर वो एक तोता सा पड़ा हुआ है, और बस यही है ठीक है। अब सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारना, नहीं अच्छी लगी तो फिर भी लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब मारना ठीक है, और ब्लॉगिंग चक्कर भी हमारा ज्वाइन करो जिन जिन भाई और उनकी बहनों ने नहीं किया, बहुत लेट करते हो आप ठीक है, ज्वाइन दस्ती मारो और हमारी ब्लॉगिंग फैमिली में शुरू से हमारे साथ जुड़ जाओ। अभी हमारी ब्लॉगिंग
बिगनिंग में ना, मतलब भी तो इतने आगे नहीं गए, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाना है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ऊपर तक जाएंगे हम, ठीक है। तो मार दो फिर लाइव वीडियो को और शेयर मार दो आगे फ्रेंड्स फैमिली में। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।